हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज आपके लिए मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्लास टेंथ राजस्थान बोर्ड का सिलेबस आ चुका है, अपडेटेड सिलेबस। और राजस्थान गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस कट कर दिया है कोरोना की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्लासेस नहीं चल रही थी। और ये है आपका 2021-22 का नया सिलेबस, रिवाइज सिलेबस है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इस बार बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, मार्क्स भी दे रखे हैं कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम हो या आपका इंग्लिश मीडियम हो, कोई सा मीडियम हो, दोनों मीडियम में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहली बात हम करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपको 3 चैप्टर आएंगे। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, 8 मार्क्स का चैप्टर है आएगा। दूसरा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ये 9 मार्क्स का चैप्टर है, ये भी आएगा। मेटल एंड नॉन मेटल्स, ये है 7 मार्क्स का, ये चैप्टर भी आएगा। इसके अलावा केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर है वो हटा दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 4 नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 5 नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का 9 मार्क्स का है आएगा। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 8 मार्क्स का, ये भी आएगा। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये भी आएगा, 7 मार्क्स का है। तो बायोलॉजी में ये 3 चैप्टर आएंगे आपके, 6, 7 और 9 नंबर चैप्टर नहीं आएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री आपकी टोटल 24 मार्क्स की है और बायोलॉजी आपकी 24 मार्क्स की है। अब हम बात करें किसकी, फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपके 3 चैप्टर आएंगे। कितने चैप्टर आएंगे आपके, 3 चैप्टर आएंगे। एक तो लाइट वाला चैप्टर आएगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि 9 मार्क्स का है। फिर इलेक्ट्रिसिटी आएगा, जो कि 8 मार्क्स का है। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो कि 8 मार्क्स का है, ये भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा 2 चैप्टर और हैं, आवर एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी आएंगे। तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। एनवायरनमेंट वाला 4 नंबर का है और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज ये 3 नंबर का है, ठीक है। तो ये वो सिलेबस है जो 2022 में जो आपके एग्जाम होंगे वहाँ पर आएगा। सारे चैप्टर्स यहाँ पर आपको मैंने बता दिए हैं, यहाँ पर इनका मार्क्स है, ठीक है। और ये 100% वैलिड है, यही सिलेबस आपका रहने वाला है। कौन कौन से चैप्टर हटाए गए तो ये आप देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर हटाए गए। पहले तो कार्बन एंड कंपाउंड, ये हटा दिया गया, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी हटा दिया गया है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये भी हटा दिया गया है। द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये भी हटा दिया गया है। सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर साइंस में आपके 5 चैप्टर्स को पूरी तरह से हटा दिया गया है। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर हमने तो ये पढ़ लिए, तो बेटा मेरी एक चीज़ आप याद रखना कि नॉलेज आपकी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है और नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप शुरुआत कर सकते हो, एक नई बिगनिंग कर सकते हो, न्यू बिगनिंग कर सकते हो, आप नई शुरुआत यहां से कर सकते हो। आने वाले समय में आपको यहां पर साइंस की वीडियोज भी यहां पर मिलने वाली हैं। कई दिनों से हमारे वीडियोज भी नहीं आ रही थी, वो भी आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। सो बस थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी बहुत जल्दी आपको सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएंगे कि किस सब्जेक्ट में कितना सिलेबस कटा है, सभी मैं अपलोड करूँगा। क्लास टेंथ का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे आएगा, क्लास इलेवंथ का भी आएगा, क्लास नाइन्थ का भी आएगा, क्लास ट्वेल्थ का भी आएगा। सारे सब्जेक्ट यहाँ पर अभी आपको वीडियोज मिल जाएंगे बहुत जल्दी। थैंक यू।